स्टूडेंट्स वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्टबुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 टू 8 के ऑलिंपियड्स के साथ-साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं ताकि आप अच्छा इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए पूरे जोर शोर के साथ। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं और जो है हमारे साथ बने हुए हैं रेगुलरली। चलिए तो अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से बड़ी ही आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा और वहां पे जाकर क्या करना है डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगर ये मटेरियल जो है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, बहुत पसंद आने वाला है, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है, आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है। और क्लास 6 यहाँ पे आपके लिए है फाउंडेशन एंड ऑलिंपियड फॉर क्लास 6। हमने आपके लिए जो है कोर्सेज प्लान तैयार किए हुए हैं फाउंडेशन एंड ऑलिंपियड फॉर क्लास 6, आप सेलेक्ट कीजिए। उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर है पहला एक हायर पैकेज है, एक लोअर पैकेज। अगर आपको जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अगर आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलरली टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और बाई वीकली क्विजेस भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आपको चाहिए फुल कोर्स स्टडी मटेरियल, बहुत ही बेहतरीन तैयारी, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल तो मिल ही रहा है, उसी के साथ साथ जो है रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, होमवर्क सबमिशन आपको मिलेगा और बाई वीकली क्विजेस भी रहेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो यहाँ पर रेगुलरली होंगे ही सही, उसके साथ साथ जो है रेगुलर लेक्चर्स और प्रॉपर इवैल्यूएशन और हमारा पर्सनल टच भी। ठीक है, तो आप इन दो पैकेजेस को सिंपली बाय कर सकते हैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे यहाँ पर हमने आपके लिए रखा हुआ है क्या, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आपको क्या अप्लाई करना है, AM Live। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। हाँ, 30% का डिस्काउंट आपको जो है इस प्राइस मनी पे मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी ये जो है काफी लो प्राइस है पर आपको जो है इसके अंदर मिल रहा है, आप इसे सिंपली बाय कर सकते हैं यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके और फिर आप इसे बाय कर सकते हैं किसी भी मींस के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, अगर आप कुछ क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ लीजिए अगर आपके कुछ सवाल लाभ हैं और या फिर आपकी कुछ क्वेरीज है। पता है हम क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। जी हाँ, कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए आप मेरे साथ, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। प्रॉमिस कर लिया और लेक्चर के एंड तक आप साथ बने रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है सम अदर इम्पोर्टेंट फाइबर्स। हम कुछ और इम्पोर्टेंट फाइबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं अबाउट योर क्लॉथिंग मटीरियल्स। तो हमने जो है मेन क्लॉथिंग मटीरियल के बारे में पढ़ा वो है आपके कॉटन एंड चिकन। कुछ लेक्चर्स में अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से, और वहां से जाके आप जो है वो देख सकते। हमने कॉटन के अंदर पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है, उसके लिए आपको जो है वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है जहां पर है ज्यादातर गर्मियां, बहुत ही मिनिमम उसके लिए रेनफॉल चाहिए होती है, और जो है उसके बाद उसे हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद उसके अंदर से सीड्स को अलग किया जाता है और फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है। सीड्स को अलग करके आप उससे जो है ऑयल ऑब्टेन करते हैं, आप उसमें ऑयल निकालते हैं। ऑयल निकालने के बाद आप उस सीड मील को जो है लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए काम करते हैं, और उसी के साथ साथ आप कॉटन फाइबर्स को फिर क्या करते हैं, आप स्पन करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, जिससे कि वो हमारा रेनी सीजन आता है उससे पहले जो है जूट का डिप्लीशन करते हैं आपका, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है जूट उससे पहले उगाली जाती है, और उसको जब वो अच्छे खासी ग्रो हो जाए, ठीक है, एक ऑब्टेन सम लेंथ है ना, क्योंकि जूट क्या है आपका स्टेम फाइबर, स्टेम से जो है उसे ऑब्टेन किया जाता है, और उसे जो है फॉर 20 डेज वी नीड टू कीप इट सो सबसे पहला आता है आपका क्या बॉयल। बॉयल क्या है आपका, बॉयल भी आपका जो है प्लांट फाइबर है, और इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बॉयल इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द पाम। कहां से ऑब्टेन होता है, कोकोनट से ऑब्टेन। कोकोनट क्या है आप फ्रूट, ठीक है, यानी कि पाम ट्री का जो है फ्रूट है क्या कोकोनट, और इस कोकोनट से क्या ऑब्टेन होता है आपका, आपका ऑब्टेन होता है ऑयल। कोकोनट के ऊपर आपको जो है रेशे देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपने देखा ही होगा पूजा वगैरह में चढ़ाते हैं नारियल, शगुन माना जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है फाइबर्स, उन फाइबर्स को ऑब्टेन किया जाता है, उनको निकाला जाता है, और उनको यूज करके
हम रोप्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं और आपके जो है मैट्रेस बनाते हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारी चीजों में आपका ऑयल यूज होता है। तो कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमें फ्रूट से ऑब्टेन होता है। तो क्या हो गया ये आपका फ्रूट फाइबर, क्या हो गया फ्रूट फाइबर, क्या हो गया ये आपका फ्रूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट से आपको बताया ऑब्टेन होगा। यूजुअली कोकोनट आर लेफ्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू मंथ्स, कोकोनट्स को जो है उनको कुछ महीनों के लिए आपका वाटर के अंदर सोक किया जाता है, वाटर के अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर वहां पे क्या होता है, द हस्क इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द नट्स एंड बीटन विद द वुडन मैट्स टू गेट द स्केल पे इसका जो है प्रोडक्शन होता है, बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो हर एक को जो है इस तरीके से निकालना पड़ता है, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको वाटर के अंदर जो है सोक करते हैं। सोक करने से वो थोड़ा लूज लूजना जाता है और फिर हम उसे जो है उसके फाइबर्स को निकाल लेते हैं। फिर वो जो है थोड़ा सा लूज हो गया, लूज हो गया तो हम उसको वुडन मैट से बीट करके उसके फाइबर्स को अलग, अलग करने से फिर क्या होता है, वहाँ से हम अपने फाइबर्स को स्पन करते हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं। प्रोसेस है क्या है, आप स्पिनिंग की तरफ क्या करते हो, फाइबर्स को लेके उनको ट्विस्ट करने से क्या होता है, वो यान के अंदर लॉन्ग थ्रेड के लॉन्ग यान के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है एंड डाइड, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी, जो कलर चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई कर लेते हैं एंड इज रेडी फॉर विव। इसके लिए रेडी हो जाते हैं, वो विविंग के लिए रेडी हो जाते हैं, इसके लिए विविंग करने के लिए। आपको पता है विविंग एंड मेटिंग हर एक फाइबर के अंदर बार बार इसको तीन कॉमन आपकी जो है प्रोसेस है। पहले हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, क्या करते हैं स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग से आपका क्या ऑब्टेन हो जाता है, आपका यान ऑब्टेन होता है, यान, ठीक है। और फिर जो है हम क्या करते हैं, वीविंग करते हैं, वीविंग करें आप, या फिर आप क्या करें नेटिंग करें, क्या करें नेटिंग करें, वीविंग करें या फिर आप क्या करें नेटिंग करें। ये तीन जो है हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ी थी, तीन प्रोसेसेस बहुत कॉमन है, हर एक फाइबर पे आ रही है। इसी से आपको क्या बनता है, फैब्रिक, ठीक है। देयर आर वेरियस क्वालिटीज ऑफ वूल, क्वालिटीज की आपको वूल जो है देखने को मिले, ठीक है। ये बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपके जो है कॉइल या फिर कोकोनट ट्रीज जो है ग्रो होते हैं, जनरली कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको वाटर देखने को मिलेगा। कोस्टल एरियाज पे आपको सबसे ज्यादा जो है कोकोनट ट्रीज देखने को मिलते हैं या फिर कहीं रिवर के आसपास आपको। जनरली हमारे इंडिया के साउथ पार्ट से कोकोनट सारे पूरे इंडिया के अंदर सकता है, देखा होगा, ठीक है। बहुत पहले तो ये जो है ग्रीन कलर का होता है, कच्चा होता है, गर्मी में इसका पानी भी पीते हैं, कच्चा होता है ग्रीन कलर का। फिर धीरे धीरे सूख करके जो है उसके अंदर फाइबर्स बनने लग जाते हैं, रेशे बनने लग जाते हैं और फिर उनको जो है फर्दर यूज करना, ठीक है। तो उसके जल्दी से नोट कीजिए और फिर हम आगे, ठीक है, वाटर फाइबर को नोट कीजिए, समझ आ गया। और दिस वाटर फाइबर इट इज योर अदर इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट ऑफ योर कोकोनट पाम, ठीक है। एंड यूजुअली कोकोनट आर लेफ्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू मंथ, पानी के अंदर छोड़ देते हैं फॉर फ्यू मंथ्स एंड हस्क इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द नट एंड बीटन विद अ वुडन मैट,
ठीक है, उसे बीट किया जाता है किससे, वुडन मैट से, एंड द फाइबर थस ऑब्टेन्ड इज देन स्पन एंड डाइड एंड इज रेडी फॉर रेडी हो जाता है वो वीविंग के लिए. एंड देयर आर वेरियस क्वालिटीज ऑफ, आपके पास वेरियस क्वालिटीज ऑफ कोयर देखने को आपको. आगे बढ़े क्या आपने, चल आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन, हमारे पास कॉइल स्टेज जो है कुछ पॉइंट्स हैं तो देखने को मिलेंगे. कॉइल जो है इस तरीके का रहता है, ओपनर आपका फाइबर है, ठीक है. ओपनर फाइबर के अंदर जो है आपके कुछ इस तरीके के, ओपनर के ऊपर आपको इस तरीके के फाइबर्स देखने को मिले होंगे, और जो है आपको इस तरीके से मशीनिंग से उसकी वेविंग की जाती है ना, मशीनिंग के थ्रू उसकी निटिंग और वेविंग की जाती है, जिससे उसको रोप और मैट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. उसको रोप्स और मैट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है. वॉइस थोड़ा सा बता रहा था, कवरिंग के लिए और आपके रूम्स के लिए यूज होता है. आप यहाँ देख रहे हो मशीन भी से जो बंकर्स रूम्स बना रहे हैं और मैट्स बना रहे हैं और फ्लोर कवरिंग्स बना रहे हैं और वॉल कवरिंग्स जो है उसे बना रहे हैं. अगर आपने देखा हुआ है आप जो है ये थोड़ा सा चीप होता है, सस्ता होता है, तो उसे जो है जनरली बहुत यूज करेंगे. आपने देखा होगा वो वॉल कवरिंग आपका जो है कॉटन फाइबर जो है सिल्क कॉटन. सिल्क और कॉटन अलग अलग चीज है, ये भी चीज है, ये भी आपका क्या है एक प्लांट का, क्या है प्लांट का मिलेगा. और इसके अंदर जो और टच करने पे जो सिल्की होते हैं सिल्क सब नहीं किया है, ब्लेंड नहीं किया है सिल्क और कॉटन को, ये आपका एक अलग ही तरीके का. Thank you.
टेम्पल्स के एरियाज हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पर और अच्छी हर जगह पेड़ होता है, जो नहीं कर सकते कल्टिवेट नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर एनवायरमेंट कंडीशन चाहिए। आपको पता है कि प्लांट्स को जो है डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन चाहिए होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर राजस्थान में जो है उगाना चाहो तो वो हमारा नॉर्थन पार्ट है, वहाँ पर आपको भी होने चाहिए और गेट होती है और रोड्स जो है बहुत सारी वहाँ पर रहती है, आपका फूल का भी होता है उसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जो फाइबर्स एनवायरमेंटल कंडीशन क्लाइमेट कंडीशन से रिक्वायर होते हैं, उसके हिसाब से आपके प्लांट फाइबर एनिमल फाइबर plant are woven to make fibers are also used in the production of rope and hide. Ropes banane mein aur high quality paper aur aapko jo hai fabric se for making high quality.
और स्पिनिंग करते हैं। यहाँ पर जो है स्पिनिंग हो रही है और फ्लेक्स फाइबर आपका फाइबर है, आपका प्लांट फाइबर है जो जो फाइबर्स आपके स्टैम से आपके स्टैम की कवरिंग से ऑब्टेन होते हैं वो क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, कौन से टाइप का रूट फाइबर है, बास्ट फाइबर है या फिर लीफ फाइबर। फाइबर्स का एक और नाम होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है वो, जल्दी से बताइए तुरंत 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 बता पा बता। बहुत अच्छे, बास्ट फाइबर क्या बोला जाता है, तो बास्ट फाइबर क्या बोला जाता है, बास्ट फाइबर के बास्ट फाइबर्स आर योर फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द फब्रिक से ऑब्टेन होता है। यह आपने आगे बढ़े ये हमारे जो हैं हमने कितने इम्पोर्टेंट प्लांट फाइबर पढ़िए, ऑयल पढ़ लिया और क्या पढ़ा हमने, फ्लैक्स पढ़ा, हेम्प पढ़ा और सिल्क पढ़ा, चार तरीके के फाइबर आज पढ़े, फ्लैक्स और ऑयल और आपका हेम्प। प्लांट फाइबर है, ठीक है, रूट फाइबर है उसके रूट्स में से निकल रहे हैं, फ्लैक्स भी प्लांट फाइबर है, कहां से निकल रहा है, फ्लैक्स हाई क्वालिटी पेपर है, इसका कोई और नाम है या फिर फैब्रिक से जो है फेमस है, आपके फैब्रिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जो आपके आपके फ्लैक्स फ्लैक्स दे रखा है। हम जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लेम टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट क्या कर रहे हैं, क्लेम टेस्ट कर रहे हैं, बर्निंग टेस्ट ऑफ फाइबर, किस तरीके से बर्न हो रहे हैं, हम क्लेम टेस्ट कर रहे हैं सभी फाइबर्स के ऊपर और देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से बर्न आउट होते हैं, किस तरीके की स्मेल देते हैं, किस तरीके का कलर ऑफ क्लेम। हमारा एम है वर्किंग टेस्ट ऑफ फाइबर और उसके सभी तरीके के फाइबर्स के जो है हम पीस फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के अंदर हम आपका क्लेम टेस्ट करेंगे
कैंडल के पास रख सकते हो उसको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को फिर आपको क्या करना है, फाइबर जो है फायर किस तरीके से कैच कर रहा है, ग्रस्त कर रहा है यानी बहुत जल्दी से कर रहा है, आराम से बर्न हो रहा है, किस तरीके से, और टाइप ऑफ फ्लेम आपको, फ्लेम का टाइप आपको यहाँ पर देखना है, किस टाइप की फ्लेम जो है आपको कलर रहा है, स्मेलिंग ऑफ स्मेलिंग और जो स्मेल आफ्टर बर्निंग, ठीक है, ये स्मेल आपको चेक करनी है किस तरीके की स्मेल इसके अंदर से आ रही है, और वो वहाँ पे ऐश स्मेल आएगी कि बर्निंग हेयर, ठीक है, आपकी गोल किससे ऑब्टेन हो रही है, हेयर ऑफ एनिमल्स, शीप गोल के हम हेयर्स ट्रीज को जो है रिमूव करते हैं, उसी से हम क्या बना रहे हैं, आपके कॉटन बना रहे हैं, सॉरी वूल हम उससे बना रहे हैं, और सिल्क है वो भी आपका जो है हेयर लाइक स्ट्रैंड होते हैं, तो उसमें भी कैसी आएगी, जैसे आप हेयर्स बर्न कर रहे हैं। क्रशेबल हीट क्रशेबल क्रश और ब्लैक कलर, तो नेक्स्ट यहाँ पर है आपके पास नायलॉन और प्लास्टर और तीनों ही आपके क्या है, चलिए देखते हैं नायलॉन पॉलिएस्टर और एक्रिलिक किस तरीके से बनते हैं, नॉट कैच फायर इजीली, श्रिंक अवे एंड फॉर्म अ फ्यूल, क्या फॉर्म करते हैं ये, या तो आप ये करते हैं फॉर्म ऑफ फ्यूल श्रिंक कर जाते हैं, जैसे ही आप ये अपने पास मेल्ट हो जाते हैं एंड फॉर्म अ फ्यूल, ये मेल्ट होता है आपकी ये जो है
केमिकल जैसी प्लास्टिक पर्टिकुलर जो है और अनक्रशेबल हार्ड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका फाइबर जो है वो मेल्ट के बाद हार्ड हो जाते हैं ना. आपने देखा होगा तो प्लास्टिक को गर्म करके देखें तो आपको देखने को मिलेगा जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है और यहाँ पर जो है वो मेल्ट भी के बाद हार्ड वो टूटेगी. यहाँ एक्टिविटी से आपको क्या समझा नेचुरल फाइबर जो है वो किस तरीके से बर्न हो रहे हैं आपका येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए और सिंथेटिक फाइबर है क्या हो रहे हैं मेल्ट हो रहे हैं वो बर्न आउट plant fibers are obtained from plant fiber कहां से obtained होते हैं plant fibers are obtained from cotton and jute cotton or jute plant fibers are obtained from cotton or fibers are
की तरह दिखता है, की तरह आपको जो है पे लगता है कॉटन प्लांट पे, और रूट जो है अपना स्टेम स्टेम से टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से जो है ऑयल से आप क्या बनाते हैं, आपको देखते हैं क्या क्या आपने आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज लिनन क्लॉथ इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर। लिनन कहां से ऑब्टेन करता है, आज की कहां से ऑब्टेन करता है आपका लिनन, आंसर बताइए जल्दी से। कॉटन से, सिल्क से, जूट से, बाद में पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो कहां से ऑब्टेन हो रहा होगा, बट है आपका लिनन ऑब्टेन होता है किससे, फ्लैक्स। ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द प्लांट, ऑयल जो है किस प्लांट से आपको मिलता है ऑयल आपका, ठीक है। कहाँ से आपको मिलता है ये कोकोनट, आपको मिलता है कोकोनट से मिलता है, कोकोनट पाम ट्री से आपको जो है ऑयल ऑब्टेन। सही आंसर किया इसका, सही आंसर किया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया कॉटन इज नॉट ग्रोन, इनमें से किन स्टेट के अंदर जो है कॉटन नहीं होती, कहां कहां ग्रो होती है, राजस्थान में ग्रो होती है, आंध्र प्रदेश में ग्रो होती है, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, ठीक है। ये सारी के दौरान बड़ी थी देखा था कि कहाँ कहाँ पे कॉटन, ये रखे हैं एक ऑप्शन, अगर ऑप्शन दे ही नहीं रखा कहाँ पर आपके कॉटन। Next question है, hand looms and power looms are used to form the following. Hand looms or power looms हम कहाँ पर use करते हैं, कौन सी process के अंदर जो है हम लेते हैं, ठीक है। Question है और answer भी आपको पता हो, ठीक है। जो है ये processes बहुत आपका जो है बार बार repeat हो रही है, ठीक है। कौन सी process है क्या करते हैं आपका सर्किट आउट करते हैं सीड्स, ओके। रूम कहां पर यूज होते हैं, रूम क्या आपको यूज करते हैं लिविंग के अंदर, लिविंग करने के लिए जो है हैंड रूम और पावर रूम का यूज, ओके। आंसर दिया आपने, उन्होंने करेक्ट आंसर किया, क्वेश्चन है, सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर आफ्टर कॉटन इज, सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर है कॉटन के बाद वो क्या है, क्या इसका सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर है आपका जूट, क्या है जूट आपका सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर, following fiber is not obtained from any material. कौन सा
सिर्फ अपडेट करते हैं आपका प्लांट है, आपका सी से ऑब्टेन करते चाहिए होती है, हाई रेनफॉल चाहिए होता है